देखिए, ध्यान भटकाना अच्छा जानते हैं, समझाना मुश्किल है और ध्यान भटकाना आसान है। और भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत है, उन पर तंत्र है कि सत्ता के नशे में चूर हैं और जब सत्ता सिर चढ़ के बोलने लगती है तो परिणाम ऐसे ही आते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें बाबू स्वर्गीय श्री नारायण सिंह जी के बारे में आपको वो वीडियो था। और आपको बता दें, चौधरी साहब जो है, बाबूजी जो हैं, गांव बीनड़ा जिला शामली के रहने वाले थे और एक ऐसी जाति में जन्मे जो आज खुद को गौरवान्वित महसूस करती है। जिस तरीके से बाबूजी ने राजनीति में कदम रखा और फिर उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक गए, फिर उनके बेटे सांसद बने, आज उनके पोते चंदन चौहान मीरापुर विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल व समाजवादी पार्टी के गठबंधन से विधायक हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन आज जो मेन कारण है, विधायक जी से जानेंगे कि किस तरह की आज की राजनीति हो गई है देश में, किस तरीके से उन लोगों के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि आप तिरंगा लगाइए, अगर आप डीपी पे तिरंगा नहीं लगाएंगे तो आप पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या नाम उनको दिए जाएंगे। और जो पिछले कई दिन से लगातार जो चल रहा है, कभी किसी अभी एक त्यागी समाज के लिए बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ चंदन विधायक जी हैं जो कि मीरापुर से विधायक हैं और अभी हम समाधि पर हैं जो कि चौधरी नारायण सिंह की समाधि है। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत चौहान साहब जी, कैसे हैं विधायक जी? बहुत अच्छे हैं, आप भी ठीक हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप देख रहे होंगे पिछले कई दिन से लगातार सोशल मीडिया पे डीपी को लेकर मुहिम चल गई है, डीपी लगाइए, अगर आप डीपी नहीं लगाएंगे, अगर आप तिरंगे को नहीं लगाते डीपी में तो आप देशभक्त नहीं। देखिए, देशभक्ति किसी चीज़ को देख के नहीं हो सकती है, महसूस और रगों में दौड़ने वाली चीज़ है। और हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, अपने देश से प्यार करता है और अपने देश पे कुर्बान होने के जज्बे के साथ रहता आया है। ये कोई विशेष कोई पार्टी या कोई व्यक्ति इस चीज़ को पैदा करने में, मैं समझता हूँ, वो ठीक नहीं होगा। हिंदुस्तान देश का प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त है और अपने देश के लिए हमेशा कुर्बान लेने के जज्बे के साथ रह के राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देता आया है। क्या कारण है इस तरीके की बातें हो रही हैं कि देखिए अगर डीपी नहीं लगाएंगे, कौन लोग हैं वो जो डीपी लगवाना चाहते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति जो भारत का है वो भारत से प्यार करता है, अगर वो बाहर जाएगा, अभी आप देख रहे होंगे किस तरीके से मेडल ला रहे हैं हमारे युवा, तो क्यों उस तरफ ध्यान हटाकर दूसरी तरफ? ऐसी क्या कारण है कि इस तरह की बातें होती रहती है? कुछ दिन पहले थाली थी, फिर कटोरी थी, फिर ताली थी, क्या कारण है इसके पीछे? कहीं यही तो नहीं, वही टॉपिक तो नहीं है ये भी कि डीपी लगाइए, पहले ताली थाली थी? देखिए, ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का अवसर है। 26 जनवरी और 15 अगस्त एक ये राष्ट्रीय त्यौहार है और हम सब मिलके इसे धूमधाम से मनाते आए हैं, आगे भी मनाएंगे, कोई व्यक्ति रहे या ना रहे। पर किसी भी चीज़ का भोंडा प्रदर्शन करना उसकी अहमियत को छोटा करने का काम करता है। अच्छी बात है, झंडा लगाते हैं, हमारे नेता माननीय जैन जी और अखिलेश जी ने हमें आदेश किया है, वो लगातार आज से नहीं, पार्टी कार्यालयों पे हर वर्ष जब से हम बच्चे थे, जब से देखते आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति लगाता है। पर कोई राजनीतिक लाभ आज तक हमने हमारी पार्टियों ने कभी इस चीज़ का लेने का काम नहीं करा। पर यह सोचना आम जनता को है कि वो किस रूप में चाहती है। मुख्य मुद्दे आज भी 75 वर्ष हो जाएंगे हमें आज़ाद हुए हुए, पर हम कहाँ खड़े हैं? हमारा किसान आंदोलित है, हम पिछड़े हैं, हमारी महंगाई विश्व के जो है कुछ चुनिंदा देशों में सबसे ऊपर है। आज भी महंगाई कहाँ जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम जितनी जो है हमें आवश्यकता है उन संसाधनों को हम पूरा नहीं कर पा रहे। आज अगर हम उन चीज़ों पर लड़ाई करें, उन पर बहस करें, तो शायद देश का निर्माण ज़्यादा बड़ा हो, हम आज़ादी को ज़्यादा सार्थक रूप से अच्छी तरीके से मना पाएंगे। अगर अपनी समस्याओं को हम एक एक करके दूर कर लें और एक विश्व गुरु के रूप में बढ़ने के लिए हम आगे बढ़ें। ये मैं एक और जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर त्यागी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं और वो किस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं एक औरत के साथ, क्या ये शोभा देता है? क्या कारण है इसके पीछे कि इस तरह के लोग राजनीति में आते हैं और जिनको अवसर मिलना चाहिए था उन लोगों को दूर कर दिया जाता है? सत्ता के नशे में चूर हैं और जब सत्ता सिर चढ़ के बोलने लगती है तो परिणाम ऐसे ही आते हैं। आप देख सकते हैं किस रूप से भारतीय जनता पार्टी के इसलिए तो खुल गई, वीडियो बन गई, वरना रोज प्रत्येक दिन हर जिले में
भारतीय जनता पार्टी के दबंग लोगों के कारण आम जनता रोज परेशान होती है, रोज अपमानित होती है। और मुश्किल ये हो गई कि वो उन गुंडों को, राजनीतिक गुंडों को संरक्षण देने का काम जब पार्टियां करेंगी, तो मेरे ख्याल से ये जो घटना हुई है इस पर अगर विपक्ष दबाव ना बनाता तो शायद इस रूप से कार्रवाई भी ना हो और ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं और मुद्दों की तरह दबा दिया जाता। पर विपक्ष सजग था और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, जिसको आप लोग भी चलाते हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आज उस लेडी को न्याय मिलने का काम। एक और चीज है, क्या कारण है कि इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में ही हैं? क्योंकि सारी जगह अभी किसान आंदोलन चला तो लोगों ने कपड़ों को लेकर भी किसानों के, इनके पास आईफोन क्यों है, इनके पास ऐसे कपड़े क्यों है, इस तरह की कमेंट की। तो ये लोग किसी को आंदोलन जीवी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, क्या कारण है? इन्हीं के लोगों के अंदर यह राष्ट्रभाव, राष्ट्र प्रेम की भावना। देखिए, ध्यान भटकाना अच्छा जानते हैं, समझाना मुश्किल है और ध्यान भटकाना आसान है। और भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत है, उन पर तंत्र है कि वो कभी भी किसी मुद्दे को उठा सकती है, कभी भी किसी अहम महत्वपूर्ण मुद्दे को खत्म कर सकती है। संसाधनों की लड़ाई है और संसाधन में कहीं ना कहीं विपक्ष, मैं मानता हूँ, निश्चित रूप से हम पीछे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास ये शोर विन विन स्थिति है उनकी, कि वो सारे संसाधन, सारी पैसा, सारी ताकत उनके पास है कि वो उनका दुरुपयोग करके अपने फेवर में काम कराने में सक्षम। अभी हम ये समाधि है तो आपके जो बाबा जी थे, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? किस तरह की राजनीति वो करते थे, किस तरीके से वो एक किसान परिवार से इस तरफ आए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक चले गए किसान घराने के? आज एक सबसे बड़ी बात, समाधि पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे मैं कहूँगा भाई को दिखाने को, संघर्षी जीवन है और उन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया। बहुत छोटी उम्र में अपने घर से बाहर आकर और बहुत इस उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की ऊंचाइयों तक पहुंचने का काम किया। मैं उनके इस मूल मंत्र को हर नौजवान को जो मेहनत कर रहा है, जो आगे चाहता है, वो मैं उसको कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस मंत्र को अपने जीवन में उतारने का काम करें और जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप लगेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने का काम होगा। तो बाबू जी एक आदर्श पुरुष थे, मेहनत के साथ संघर्ष के जीवन में अपना के ईमानदारी के साथ सारी उम्र जो है उन्होंने मेहनत करी और अपने समाज को, अपने इलाके को देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करा। उस प्रदेश में तो महत्वपूर्ण पद है, उप मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित करने का काम करा जनता के आशीर्वाद से। और उन्हीं को बात को लेके आज चाहे मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी हों, चाहे मैं हूँ, आपकी सेवा के लिए तत्पर हमेशा हमेशा खड़े हैं। कहीं के भी चाहे समाज, हर समाज, हर जाति, हर धर्म के नेता के रूप में उन्हें स्वीकार किया जाए। आज कैसी स्थिति है जब लोग आपके पास आते होंगे, जनता के लोग आपके पास आते होंगे, तो क्या नाम लेकर किस तरीके से चौधरी साहब को वो बताते हैं, कैसे व्यक्ति थे चौधरी साहब? दुर्भाग्यपूर्ण ये है मेरे जीवन का कि मैं अपने बाबा को नहीं देख पाया, उनका देहांत मेरे जन्म से पूर्व ही हो गया था। पर आज भी जो लोग आते हैं, पुराने लोग हैं, कराना शामली सहारनपुर क्षेत्र के, बिजनौर के, हस्तनापुर के, बताते हैं कि बाबू जी एक अभूतपूर्व शख्सियत थे और जबान को जो उन्होंने दे दी उसको हमेशा, चाहे प्राण जाए वचन ना जाए, अपने वचन पर अडिग रहा करते थे, उसे पूरा करने का हमेशा प्रयास करते थे और लोकहित के, जनहित के, इस क्षेत्र को बचाने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थों का चाहे नुकसान भी उठाना पड़े, उन्होंने इस यहाँ के निर्माण के लिए हमेशा अपना योगदान दिया। वही चित्र, वही चलन पब्लिक, जनता, मतदाता पिताजी के रूप में देखना चाहती थी और वही जो उनकी आंखों में देखता हूँ आज भी, वो विश्वास कहीं ना कहीं बाबूजी का वही हमारे अंदर ढूंढते हैं। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ गांव गवांड चैनल के माध्यम से कि आप लोगों को कभी मैं निराश करने का काम नहीं करूँगा, अपने क्षेत्र नहीं पूरे इलाके के सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम। मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप तो कैराना के रहने वाले थे, कैराना आपकी विधानसभा थी, तो क्या कारण हुआ कि मुजफ्फरनगर की तरफ रुख कर लिया, बाबूजी मुजफ्फरनगर आ गए और फिर उधर जाने की क्या ऐसी क्या बात हुई उधर नहीं जा पाए, क्योंकि आपके लोग तो आपकी कनेक्टिविटी वहाँ के लोगों से थी पहले? देखिए, सन 50 के लगभग की बात है, ये जनपद एक ही कहलाया जाता था, शामली और मुजफ्फरनगर, और हम तो आज भी अलग नहीं मानते थे। हमारे पिताजी कहा करते थे कि ऊंचा उड़ने के लिए जड़ें मजबूत होनी चाहिए और मुझे पता है कि हमारी जड़ें जहाँ हैं वो आज भी मजबूती के साथ बाबू नारायण सिंह जी के परिवार के साथ खड़ी हैं।
जो भी मैं हिम्मत, जो भी हौसला मिलता है हमेशा इन जड़ों से ही मिलता है। और आज भी कोई मैं दूर नहीं हूँ, जस्ट कॉल अवे। आप लोग जब भी याद करते हैं दुख सुख में हमेशा शामिल होने का काम करता हूँ, और जब भी आगे करेंगे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक थिया बाबू नारायण सिंह जी का आज भी आपका जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर है। जब भी आप आवाज़ देने का काम करें, जिस जो कि अभी हूँ, जिस लायक भी हूँ, हमेशा आपकी खिदमत के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और आप लोगों का हमारा आना जाना हमेशा इसी प्रकार से जैसे पूर्व में था, आगे भी ऐसा ही रहेगा। आगे भी ऐसे रहे, ना तो बाबू नारायण सिंह जी ने कभी छोड़ा था, ना पिता स्वर्गीय संजय चौहान जी ने छोड़ा था, ना मैं कभी छोड़ूंगा। ये रिश्ते ऐसे नहीं हैं जो कभी ख़त्म हो जाएंगे। पर हाँ, प्यार जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम सब एक ग्रुप में एकजुट होकर, सबको इधर से उधर, सबको एकजुट करके तरक्की के लिए लड़ाई अपने नौजवानों के लिए लड़ते हैं। हमारे चैनल पर आपने एक वीडियो देखा होगा, उसमें एक आलदी के बाबू प्रीतम सिंह जी हैं, वो बता रहे हैं कि बाबू नारायण सिंह जी के यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक ही हुक्का पीते थे। तो आज भी वही जो की तो स्थिति है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल होता है देश में। ये सच्चाई है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीरापुर क्षेत्र की जनता का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लगभग 2,15,000 वोट हमारे यहाँ पड़ी, लगभग 1,08,000 वोट गठबंधन को और मुझे मिली, लगभग 51% मत है। और ऐसा कोई बूथ नहीं है जिस बूथ पे हमें वोट ना मिली। और वोट आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास का परिचायक है। हिंदू मुस्लिम जाति बिरादरी की हमारे घर में, हमारे ठिए पे कोई उसका स्थान नहीं है। हम सब एक परमपिता परमेश्वर ऊपर वाले की सब औलाद हैं, और उसी रूप में हम सबकी सेवा करते हैं। और यहाँ कोई भी भेदभाव की स्थिति न पहले थी न आगे होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा कोई भी मंच मैं छोड़ने को तैयार हूँ, पर इन अपने मूल्यों के साथ, अपनी भावना के साथ, जो मेरे बड़ों ने स्थापित करी, उनसे समझौता नहीं। वो धन्यवाद। अभी आपने जो मीरापुर से विधायक है चंदन चौहान, उनको सुना। और ये जो समाधि है आप देख रहे हैं, ये चौधरी नारायण सिंह जी की समाधि है। अच्छे से लोग उनको जानते हैं, जिस तरीके से किसान परिवार में वो संबंध रखते थे, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने अपने पैर जमाए। और सबसे बड़ी बात जो है कि मतलब उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक वो गए, और उन्हीं के बेटे संजय चौहान जो कि यहाँ से सांसद थे, और जिस तरीके से दोनों बाप और बेटे ने अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर किया, जो लोगों की मूलभूत समस्याएं उनको दूर किया। और ये आप समाधि देख सकते हैं, ये श्री संजय सिंह चौहान की समाधि है। 2014 में उनका देहांत हो गया था, तो 2010-2014 को। और किसानों के लिए आज भी चंदन चौहान लड़ रहे हैं। अभी आपने सुना कि किस तरीके से जो किसान आंदोलित हैं उनके लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। मैं सुबह से काफ़ी देर से इनके साथ हूँ। जिस तरीके से ये जनता से बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि जो कि तो अपने बाबा के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमारे समाज में, हमारे किसानियत में, हमारी मजदूरी में इस तरह के लोग अगर राजनीति में जाते हैं और विधानसभा में, लोकसभा में जाकर हमारी बात उठाते हैं, तो शायद वो दिन दूर नहीं कि किसानों की, मजदूरों की जो मांगे हैं वो पूरी ना हो। कैमरामैन चिराग के साथ अनिल चौहान, धन्यवाद।